और चले सीधे रुक कर लेते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। नमस्कार, मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है। इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो दो विषयों पर बहुत अधिक है। पहला विषय है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के यूट्यूब लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महाक्विज। माई गॉव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। माई गॉव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तब देर मत करिए, अब इसमें 6 दिन और बचे हैं, इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। साथियों, G20 के दौरान जिस तरह भारत की युवा शक्ति इस आयोजन से जुड़ी उसकी आज विशेष चर्चा आवश्यक है। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा।
इसे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से संवाद का इंतजार है। मेरे परिवारजनों, आज से दो दिन बाद 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहां की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। आप लोगों को पता ही है कि भारत में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पहले शांति निकेतन और कर्नाटका के पवित्र होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। मुझे 2018 में शांति निकेतन की यात्रा का सौभाग्य मिला था। शांति निकेतन से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था। वह श्लोक है, यत्र विश्वम भवत्येक निडम, अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं, तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। मेरे परिवारजनों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति, उसका एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है। साथियों, मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े
एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहां सातवीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए एक दो नहीं बल्कि 7-7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलग अलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली। उसने अपने आस पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहली लाइब्रेरी उसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए खोली गई। जरूरतमंद बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर इस बिटिया ने अब तक जो 7 लाइब्रेरी खोली है उनमें अब करीब 6,000 किताबें उपलब्ध हैं। छोटी सी आकर्षणा जिस तरह बच्चों का भविष्य संवारने का बड़ा काम कर रही है वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। साथियों, ये बात सही है कि आज का दौर डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई बुक्स का है, लेकिन फिर भी किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती हैं। इसलिए हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरे परिवारजनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जीवेशु करुणा चापि मैत्री तैषु विधीयताम, अर्थात जीवों पर करुणा कीजिए और उन्हें अपना मित्र बनाइए। हमारे तो ज्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही पशु पक्षी हैं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जो जीव जंतु उनकी सवारी होते हैं उस तरफ उतना ध्यान ही नहीं देते। ये जीव जंतु हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए, हमें इनका हर संभव संरक्षण भी करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्साहवर्धक बढ़ोतरी देखी गई है। कई और प्रयास भी निरंतर जारी है ताकि इस धरती पर रह रहे दूसरे जीव जंतुओं को बचाया जा सके। ऐसा ही एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहां सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। ये टीम अन्य बीमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं पक्षियों के भोजन,
पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। साथियों, लोगों को नेक नियत से ऐसा काम करते देखकर वाकई बहुत सुकून मिलता है, काफी खुशी होती है। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयासों के बारे में जानकारी मिले तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए हर नागरिक का कर्तव्य काल भी है। अपने कर्तव्य निभाते हुए ही हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कर्तव्य की भावना हम सभी को एक सूत्र में पिरोती है। यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य भावना की एक ऐसी मिसाल देखी है जिसे मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचिए, 70 से ज्यादा गांव हो, हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाए।